ये छूटना नहीं चाहिए। मौका मिला है इसको श्रवण करो, अपने जीवन में उतारो। महाराज सामान की लिस्ट आप बनाते हो, सामग्री की लिस्ट आप बनाते हो, केवल एक लिस्ट ऐसी होती है जो तुम कभी नहीं बनाते हो, वो है तुम्हारी दवाई की लिस्ट। वो लिस्ट दूसरा बनाता है, डॉक्टर बनाता है, कोई दूसरा बनाता है, वो लिस्ट तुम नहीं बनाते। उसी तरह तुम तुम्हारे कर्म की लिस्ट बना सकते हो कि तुमने कैसा कर्म करा है, पर भाग्य की लिस्ट तो मेरा महादेव ही बना पाता है। तू बच नहीं पाएगा। तुम्हारे कर्म की लिस्ट तुम बना सकते हो, अच्छा करा कि बुरा करा, झूठ बोला ना बोला, सत्य कहा ना कहा, उस कर्म की लिस्ट बनाने वाले तुम हो। भगवान गीता में भी कहते हैं कर्म किए जा, कर्म करो। हम भी आपसे कहते हैं कर्म करो, करो कर्म, जाओ जिस कार्य को करने जा रहे हो उस कार्य को लगनता से करना, दिल से करना। और जब तुम लगनता से करोगे, दिल से करोगे, तो निश्चित है उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। पर बहुत अरमान रखकर नहीं, भीतर अरमान वो होना चाहिए कि मेरा बाबा, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव जो देगा, मेरा बाबा जो मुझे प्रदान करेगा वो कम नहीं देगा, जो देगा वो बहुता में देगा, और उसकी कोई होड़ नहीं हो सकती। जब वो देता है, सारे देव देते हैं, पल्ला झाड़ कर देते हैं। क्या देते हैं? पल्ला झाड़। सारे देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं। तुम्हारे भाग्य में कितना लिखा है, कितना तुम्हारे को देना है, कितना कम देना है, कितना अधिक देना है, कैसा देना है, सारे देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसने देने में कोई कमी नहीं रखी, बस अपने भीतर थोड़ा सा संतोष रूपी धन होना चाहिए। एक गुरु जी के दो चेले थे, जजमान ने कहा तुम्हारे शिष्यों को हमारे घर में भोजन करने भेज देना। ठीक है, भेज देंगे। अब गुरुजी ने दोनों चेलों को भोजन करने के लिए भेजा, और भोजन करने के लिए जब गुरुजी ने भेजा तो दोनों से कह दिया अच्छे पेट भर कर खा कर आना, हो जो भी मिले उसको अच्छे से पाना, प्रेम से पाना, आनंद से पाना। जो ज्यादा भाव खाता है वो बाद में ट्रेन में बैठ के बड़ा पाव खाता है। इसीलिए गुरुजी अपने चेले से कहते हैं कि थोड़ा सा सावधानी से जाना, जैसा मिले वैसा पाना, नखरे नहीं करना, अच्छे से रहना, प्रेम से रहना। शिष्य दोनों चल दिए। अब गुरुजी से शिष्यों ने पूछ लिया किसके यहाँ जाना है? अरे वो नगर में सेठ है ना, बहुत पैसे वाला, बहुत धनपति, बहुत करोड़पति, बस उसी के यहाँ भोजन करने जाना। अब दोनों शिष्य चले और दोनों शिष्यों ने जाकर सुंदर भोजन प्रसादी ग्रहण करी। चांदी की थाली में भोजन आया, श्रीखंड आया, रबड़ी आई, रसगुल्ला आया, पूड़ी आई, सब्जी आई, इन दोनों ने खूब खाई। खाने के बाद सेठ जी आए और उन्होंने दोनों का तिलक करा, 2 रुपये उनको दिए। अब 2-2 रुपये उनको दिए, दोनों दोस्त जाने लगे, शिष्य जाने लगे। एक बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न, एक की प्रसन्नता इतनी थी जिसका वर्णन नहीं, और दूसरा मुंह उतारा हुआ था, मुंह लटका हुआ था, लटका लटका मुंह भिन भिन कर रहा था। काय का सेठ बताओ, भिखारी 2 रुपया दिया, काय का सेठ भिखारी 2 रुपया दिया। अब एक प्रसन्न है और एक का मुंह उतरा हुआ है, एक की प्रसन्नता है और एक का मुंह उतरा हुआ है। अब
गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने देखा कि एक तो इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, और एक को देखो तो मुंह उतरा हुआ है। क्या बात है, इसको दक्षिणा ज्यादा मिली है क्या? इसको दक्षिणा ज्यादा मिली है क्या? नहीं नहीं गुरुजी, मुझको भी 2 रुपए मिले हैं और इसको भी 2 रुपए मिले, तो तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे गुरुजी पूछे ही मती, चांदी की थाली में खाना खिलाया, पूड़ी रबड़ी श्रीखंड सब दिया, पर दक्षिणा तो देखो कितनी दी, 2 रुपए। अब गुरुजी ने दूसरे से पूछा कि तू इतना खुश क्यों हो रहा है, तुझे दुख नहीं हो रहा? अरे गुरुजी सेठ जी के घर गया, जिंदगी में आज तक चांदी की थाली में खाना नहीं खाया था, खाना खाया श्रीखंड रबड़ी खाई, और गुरुजी वो सेठ जो कभी किसी को 1 रुपया नहीं दे उसने मुझे 2 रुपए दिए, इससे बड़ी खुशी जिंदगी की नहीं हो सकती। जो कभी किसी को 1 रुपया ना दे वो मुझे 2 रुपए दे रहा है, जिंदगी की इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। तो गुरुजी ने दूसरे चेले से पूछा क्यों रे तुझे दुख क्यों हो रहा है? अरे गुरुजी पूछो ही मती, मैंने तो सोचा था इतना करोड़पति चांदी की थाली में जब भोजन करा रहा है, इतना अच्छा अच्छा खाना खिला रहा है, तो मेरा मन कहता है कि ये जरूर दक्षिणा में 100 रुपए तो देगा। बस हमारे दुख का कारण यही है कि हम इतनी अभिलाषा लेकर चलते हैं, वो थोड़े में हम संतुष्ट नहीं हो पाते कि जो मिला वो परमात्मा की कृपा से मिला है। करो आदर, करो सम्मान, करो सत्कार। तुम लोग खड़े हो जाते हो ना, इसलिए आस्था वाले तुम्हें दिखाना बंद कर देते हैं, बार बार तुम लोग हाथ हिलाते हो। आप बैठे रहोगे अपनी जगह पर, कथा का रस तत्व ग्रहण करो कि टीवी की ओर देख रहे हो? आप लोग आनंद लो, कथा का रस तत्व ग्रहण करो। महाराज संबंध एक है, वो माता पिता का संबंध है, और वो माता पिता का जो संबंध है बच्चों से, वो संबंध केवल एक बार रहता है, पुत्र का माता पिता के प्रति, बेटी का माता पिता के प्रति, बाकी का कोई संबंध बार बार नहीं होता, बार बार नहीं। विश्वास लेकर अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, भरोसा लेकर अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, और बाबा के चरणों में बैठकर अगर कथा सुन रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तो ये भी विश्वास मानकर जाना कि वो तुम्हारा बैग नहीं खोलने देगा, 3 महीने में वापिस बुला ही लेगा। माता पिता गर्मी की छुट्टी में अपने माता पिता के यहाँ ले जाते थे दादा दादी के, बच्चा रोज हर गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के यहाँ जाता था, बच्चा हर गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के यहाँ पहुँचता था। अब बच्चा जब हर गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के यहाँ पहुँचता, माता पिता के साथ बैठ कर जाता ट्रेन में, दादा दादी के यहाँ रुकता, समय बीतता गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा, तो बच्चे ने कहा पापा पिताजी अब की बार मैं अकेला चले जाऊंगा दादा दादी, अगर आपको छुट्टी नहीं मिल रही तो मैं चले जाता हूँ, अकेला चले जाता हूँ। अब बच्चे ने जिद करी तो पिताजी ने एक पर्ची लिखी, और पर्ची लिखकर पिताजी ने उसकी जेब में डाल दी और उसको ट्रेन में बिठा दिया। ट्रेन में बिठाया, वो जाने लगा, अकेला जिंदगी में पहली बार गया था, पहली बार घर से बाहर निकला था, अब पर्ची डालकर जेब में पटक दी और उसको वो चल दिया। ट्रेन में बैठा, बेटा घबराना नहीं हो, चिंता मत करना हो, मजा आएगा, तेरे चाचा जी मिलेंगे, तेरे काका जी मिलेंगे, वो तुझको उतार लेंगे, तो टेंशन मत लेना हो। बच्चा जा रहा है, उसको थोड़ा सा भय लगा, जैसे ही टीसी आया, चेकर आया, और उसको भय लगा। जब उसको भय लगा तो उसने सोचा कि ना जाने पिताजी ने जेब में क्या रखा है, देखूं तो सही, और उसने जेब में से पर्ची निकाली, और पर्ची निकाल कर जेब में से पढ़ा तो उस पर्ची में लिखा था चिंता मत कर, बैठे रहे,
मैं पीछे वाले डब्बे में बैठा हूं, तो टेंशन मत ले। बच्चा निर्भिज्ञ हो गया, अब बच्चे को रत्ती भर की चिंता नहीं है। अभी टेंशन था, अभी चिंता थी, पर्ची पड़ी और पर्ची में लिखा था कि मैं पीछे वाले डब्बे में बैठा हूं, तो चिंता मत कर। तेरे पीछे ही बैठा हूं तो चिंता मत कर, आराम से बैठे रहे, आराम से चलते रहे, आराम से दादा के घर जा, तो चिंता मत करना। मैं पीछे बैठा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस वो पर्ची कुबेरेश्वर धाम में प्राप्त होती है कि आप चिंता मत करना, मेरा महादेव तुम्हारे साथ पीछे पीछे चल रहा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। कोई बहन, कोई मिलिट्री में उनके पति हैं, उनके साथ आई हुई है, और वो जहां हम कक्ष में हैं उस कक्ष के आगे टिक कर बैठी थी और उसकी बात चल रही थी। तो वो बात में कह रही थी कि गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण, उसके पति ने कहा कि सबको सूचना दी कि रुद्राक्ष के लिए आना, और गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण नहीं किया, बंद कर दिया कारणवश। उसकी पत्नी के शब्द उस मिलिट्री मैन की, उस धर्म पत्नी कहीं पर बैठे होंगे वो दोनों, तो उस धर्म पत्नी के शब्द कितने सुंदर थे, शायद आपकी जिंदगी के लिए शब्द बहुत कीमती होगा। उसकी धर्म पत्नी ने एक ही शब्द कहा, आपको परेशानी हो रही है यहां बैठने में, आपको दिक्कत हो रही है यहां बैठने में, नहीं नहीं नहीं, क्या कहना चाहती है, अब रुद्राक्ष तो मिल ही नहीं रहा, भले ना मिले, मैं भोलेनाथ जी से ये कहकर जा रही हूं, मेरी जिंदगी में, मेरे बच्चों की जिंदगी में, मेरे पति की जिंदगी में कभी रुद्राक्ष की जरूरत ही नहीं पड़े, बस ऐसी कृपा करना। चर्चा चल, हमने कहा क्या सुंदर शब्द है, एक माता का ये शब्द जीवन को सार्थक करने वाला है। पुनीता उपाध्याय, ग्राम कारो, जिला बलिया, फोन नंबर ये, कहीं बैठी होंगी तो स्मरण करेंगे। मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं, जितना भी वर्णन करूं उतना कम है। आप भी हमारे साथ पत्र पढ़ा करो जो टीवी पर दिखाया जाता है, जितना वर्णन करूं उतना कम ही है। मैंने पशुपति व्रत किया था, जब पांचवा व्रत पूरा होने पर रिजल्ट रेलवे का आने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि पहले एग्जाम दे चुकी थे तो, परंतु उसमें पास नहीं हुए थे। अब की रेलवे का एग्जाम दिया तो मैंने पशुपति व्रत करा, बेलपत्र शहद का प्रयोग कर शिव जी को अर्पण करा और बाबा से विनती करी, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, ऐसी करुणा करना कि इनका रेलवे में हो जाए। और बाबा की कृपा से जैसी पांचवा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ और बाबा की कृपा से उनका रेलवे में सिलेक्शन हो गया। ये शिव तत्व है, यो घड़ी है। हमारे सनातन धर्म के अंदर शंका का कोई काम नहीं होता, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत केवल विश्वास करा जाता है कि पत्थर की मूर्ति में भी राम होता है। तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होते हैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर के माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं होंगे कि तूने कमाया कैसा था। अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अब सुनिए। ये कथा में भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का हुआ है, 14वें नंबर का, उस कथा को ध्यान से सुनना। 19 अवतार में से एक अवतार है और यह हम सबके लिए है आज शिवरात्रि के दिन, कि दुनिया के लोग कहेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे फिर वो सत्यारथ मरा क्यों, फिर वो उसकी पत्नी को घड़ियाल क्यों खा गया, फिर उसका वैभव क्यों चले गया। कई लोग कहते हैं ये दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है, ये पूर्व कर्म का भोग है। फिर हमने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, शंकर को हमने पानी चढ़ाया, शंकर जी के मंदिर गए, शिवालय गए, देवालय गए, फिर उसका फायदा क्या हुआ, उसका लाभ क्या हुआ। तो फिर शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, अब उसका जल चढ़ाने का लाभ तुम देखो पार्वती, तुम देखिए। देवराज नाम का चोर
ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर चोरी कर कर धन लाया। चोरी कर, व्यक्ति चोरी कब करता है? चोरी कब करता है? जब उसको बहुत सारे धन की जरूरत पड़ती है। जब तक वो चोरी नहीं करेगा। भगवान ने जितना बड़ा पेट दिया है ना, एक बीता का दिया तो एक बीता का, दो बीता का दिया तो दो बीता का, जितना बड़ा पेट दिया है भगवान ने उसको पेट भरने के, पेट दिया तो पेट भरने के लिए भगवान ने उसको भोजन भी दिया। ये पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे भोलेनाथ की है, पर पेटी भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ की नहीं है। पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंभू की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंकर की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे कुबेर भंडारी की है, पेट जितनी जवाबदारी है, तो भरेगा वो। बस इस पेट से हटकर जब दूसरा कहीं काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, देवराज के साथ हुआ क्या था? देवराज की पत्नी थी, बच्चे थे, जो पत्नी थी बच्चे थे, उनके पेट भरने की जवाबदारी भी भोलेनाथ की थी। भोलेनाथ ने पेट भरा, पर दिक्कत कहां खड़ी हो गई? जब देवराज अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया। बुद्धि कब भ्रष्ट हुई? जब देवराज ने एक सुंदर कन्या को देख लिया, सुंदर स्त्री को देख लिया, स्त्री के चक्कर में पड़ गया। स्त्री ने कहा मुझे सुंदर सोने का हार ला कर दो, उसने हार ला कर दिया। मुझे सुंदर ये सामान ला कर दो, उसने ला कर दिया। अब उसके पास जितना धन था उसने खर्च कर दिया, अब कहां से लाएगा? तो उसने फिर चोरी करना प्रारंभ करा। जब अति होने लगती है, जब किसी चीज की जरूरत ज्यादा पड़ने लगती है, तब वो चोरी करना प्रारंभ कर। इतना बड़ा मोबाइल था, इतना बड़ा, 1500 रुपए का था। अब किसी का रोड पे पड़ा हुआ दिखा, अब वो इतना बड़ा, अब कितना खुश हुआ। उठा लिया, आसक्ति बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, ले गया, चले गया, बढ़ गया लोग, ले गया वो। अब क्या कभी मोबाइल बेकार नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के जरा जीजियो, नहीं होता क्या? कभी नहीं होता क्या? होता है। मालूम पड़े लेकर गया था, जेब में से गिर गया, स्क्रीन टूट गई, बेकार हो गया, कितने दिन चलेगा? पर यदि वही मोबाइल जो मिला था और एक बार अलाउंस करवा देता कि साहब ये मोबाइल मिला है, जिसका भी हो, ये कलर है उसका, ये मोबाइल है उसका, नंबर बताकर वो मोबाइल लेकर चले जाए, अगर वो मोबाइल उस व्यक्ति तक वापस पहुंच जाता तो उसके हृदय से, दिल से जो आशीर्वाद निकलता, वो एक मोबाइल ये तो साधारण सा था, वो कटे हुए सेव फल का जाता, एप्पल का जाता, अगर केवल समर्पण का भाव जागृत हो जाता तो। समर्पण का भाव, महाराज फल क्या मिला? जल चढ़ाने का फल क्या है? शिवजी ने कहा देवराज की